हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई ज्ञान। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक। डिजिटल मॉड्यूलेशन में ये डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, एक एक करके हम देखेंगे उनके ब्लॉक डायग्राम, उनका वेव फॉर्म, और समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे काम करते हैं टेक्निक्स। तो जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक। राइट, सबसे पहले डिजिटल मॉड्यूलेशन हमें क्या देता है ये हम जानना ज़रूरी है। मोर इन्फॉर्मेशन कैपेसिटी। अगर हम एनालॉग कम्युनिकेशन के कंपैरिजन में बात करें तो डिजिटल मॉड्यूलेशन हमें ज़्यादा कैपेसिटी देता है डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। हाई डेटा सिक्योरिटी। एनालॉग कम्युनिकेशन के कंपैरिजन में जो आपका इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा सिक्योर होता है डिजिटल मॉड्यूलेशन में। क्विक सिस्टम अवेलेबिलिटी। अगर आपको कोई सिस्टम इंस्टॉल करना है तो एनालॉग सिस्टम के कंपैरिजन में डिजिटल सिस्टम जल्दी से अवेलेबल हो जाते हैं। एंड गुड क्वालिटी। ऑब्वियसली डिजिटल मॉड्यूलेशन है, डिजिटल सिस्टम है, तो जो क्वालिटी है वो एनालॉग के कंपैरिजन में अच्छी होगी। ठीक है, दैट इज़ व्हाई वी प्रीफर डिजिटल मॉड्यूलेशन ओवर एनालॉग मॉड्यूलेशन। नाउ द टाइप्स ऑफ डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स हेयर इज ASK, FSK एंड PSK, दैट इज एम्पलीट्यूड शिफ्ट कींग, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कींग एंड फेज शिफ्ट कींग। अब हम देखते हैं यहाँ पर नंबर 3 फेज शिफ्ट कींग, दैट इज PSK। ठीक है, PSK का ये ब्लॉक डायग्राम आप देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर क्या यूज़ किया गया है, एक पोलर एनर्जेट कन्वर्जन। ठीक है, अभी तक जो भी हम बिट स्ट्रीम यूज़ कर रहे थे वो हमारे क्या थे, सारे यूनिपोलर एनर्जेट बिट्स यूज़ हो रहे थे। यहाँ पर हमें यूज़ करना पड़ेगा पोलर एनर्जेट। ऐसा क्यों, वो अभी मैं आगे आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर ये ब्लॉक डायग्राम देख लीजिए, यहाँ पर मैसेज सिग्नल है MT, उसको हमने पोलर एनर्जेट कन्वर्जन से पास किया तो ये यूनिपोलर से पोलर एनर्जेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर फिर ये प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर में जाएगा, यहाँ पर वो CT से मल्टीप्लाई होगा और हमें PSK वे फॉर्म मिलेगी। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे हो रहा है ये। सपोज़ ये हमारे पास बिट स्ट्रीम है, हमारी इनपुट मैसेज सिग्नल। ठीक है, ये हमारा है यूनिपोलर एनर्जेट, मतलब कि इसमें जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा वो +V रहेगा और मिनिमम जो होगा 0 तक रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, नॉट रिटर्न टू ज़ीरो एनर्जेट, मीन्स नॉट रिटर्न टू ज़ीरो। तो यहाँ पर रिटर्न टू ज़ीरो नहीं हो रहा है, वो पूरी साइकिल तक ये जाएगा। ठीक है, पोलर एनर्जेट में क्या हो रहा है कि जब ये वी जो है वो डिवाइड होगा हाफ हाफ में। ठीक है, तो ये सेंटर पॉइंट जो है वो जो ज़ीरो वाला एक्सिस है वो सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर का पोर्शन जो हमारे पास बचेगा वो +V/2 और नीचे का पोर्शन बचेगा हमारे पास -V/2। ठीक है, तो यूनिपोलर एनर्जेट से पोलर एनर्जेट में अब ये कन्वर्ट हो गया इस तरह से, जिसमें ऊपर की साइकिल प्लस है और नीचे की साइकिल माइनस है। राइट, इसका क्या यूज़ हो रहा है आगे ये देखते हैं। ये हमारी कैरियर सिग्नल है। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि जब हम इसको प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर से पास करते हैं तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई होने पे क्या होगा कि ये जो 1 है, ठीक है, ये तो यहाँ पर क्या है, प्लस है। ठीक है, एम्पलीट्यूड प्लस में है और ऊपर 1 है। ठीक है, तो जो कैरियर सिग्नल होगा वो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और आउटपुट में हमें पॉजिटिव एम्पलीट्यूड मिलेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये जो ये क्योंकि ये कॉस ओमेगा टी है तो हमें 1 से मल्टीप्लाई होगा और प्लस कॉस ओमेगा टी मिलेगा ये। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है कि एम्पलीट्यूड जो हो रहा है वो नेगेटिव हो जा रहा है, -V/2। ठीक है, और जब -V/2 कॉस ओमेगा टी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी हो गया। ठीक है, V/2 मीन्स वी, तो मैं एक जनरल ले रहा हूँ कि ये एम्पलीट्यूड है। ठीक है, तो जब ये एम्पलीट्यूड नेगेटिव है और जब ये कैरियर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। ठीक है, ना हमें ये पता है कि माइनस कॉस ओमेगा को हम कॉस ओमेगा +π भी लिख सकते हैं। ठीक है, कॉस ओमेगा +π दैट इज इक्वल टू -cos ओमेगा। राइट, तो हमने यहाँ पर क्या किया, जब ये 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो उसको हमने कॉस ओमेगा टी लिख दिया। ठीक है, सिमिलरली अब ये प्लस एम्पलीट्यूड आ गया तो फिर +cos ओमेगा t आ गया। यहाँ पर माइनस एम्पलीट्यूड है इसका तो -cos ओमेगा t आ गया, यहाँ प्लस है तो +cos ओमेगा t आ गया। ठीक है,
नाउ अब इस चीज़ से हमें ये देखना है कि इसमें क्या हो रहा है कि जो फेज़ हो रहा है वो पाई डिग्री शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कॉस ओमेगा टी आ रहा है, जहाँ पर ये कॉस ये वाला सिग्नल ख़त्म होगा, ठीक है, वहीं पर जैसे ही ये नेगेटिव एम्पलीट्यूड आएगा तो वहाँ पर पाई डिग्री का फेज शिफ्ट हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से ये माइनस था, तो माइनस के बाद जब ये प्लस हो रहा है तब फिर से हमें फेज शिफ्ट दिखाई देगा पाई डिग्री का, ठीक है। अगेन ये यहाँ से यहाँ तक पूरा पॉजिटिव पीक के लिए था, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से नेगेटिव कॉस ओमेगा टी आ रहा है, तो नेगेटिव के आने की वजह से यहाँ पर फिर से पाई डिग्री का फेज शिफ्ट हमें देखने को मिलेगा, राइट। तो इस तरह से हमने ये देखा कि कैसे हमें पी एस के वेवफॉर्म मिली यूजिंग पोलर एनर्जेट। अगर हम ये काम यूनिपोलर एनर्जेट से करते तो हमें पी एस के वेवफॉर्म नहीं मिलती, तो हमें यूज़ करना पड़ा पोलर एनर्जेट फॉर्मेट बिट का, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जहाँ पर ये ट्रांजिशन हो रहा है वन से जीरो या जीरो से वन में, तो हमें वहाँ पर एक 180 डिग्री फेज शिफ्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। और वो कैसे दिखाई दे रहा है वो मैंने अभी बताया कि ये माइनस एम्पलीट्यूड हो रहा है, इसलिए नेगेटिव हो रहा है, और नेगेटिव होने की वजह से ये पाई का फेज शिफ्ट आ रहा है। ओके, आई गेस आपको ये पी एस के वेव फॉर्म कैसे आ रही है ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो फिर भी कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।